अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इस तरह से मेरी जो भी न्यू रेसिपी आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, चिकन पैटी बर्गर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनकी क्वांटिटी आपको रेसिपी कार्ड पर मिल जाएगी। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मेरे पास 3 पाउंड जो सा बोनलेस है लेगन थाई का लेंगे तो जूसी बनेंगे, बहुत डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी है। साथ ही साथ मुझे चाहिए राइस, चावल, उबले हुए चावल। अब मैंने कल बनाए थे, बचे हुए थे, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है आप ब्रेड के स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप राइस डालकर बनाएंगे बहुत अच्छे बनेंगे। सॉफ्ट राइस पके होने चाहिए, वाइट जो राइस जैसे भी हम पकाते हैं उस तरह से। ये आलमोस्ट 1.5 कप के करीब है मेजरिंग कप। 2 टेबल स्पून ऑयल जाएगा, सराचा सॉस जाएगी, 2 टेबल स्पून मिल्क जाएगा, दूध जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून, यहाँ पे येलो मस्टर्ड जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून, और सूखा मस्टर्ड मत लीजिएगा, पाउडर मत लीजिएगा, ये इस पेस्ट फॉर्म में ही मिले तो सही रहेगा। उसके बाद सब्ज़ मिर्चें जाएंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना स्पाइसी रखना चाहते हैं। मेरे बच्चों को थोड़ा पैटी स्पाइसी भी, लाइट स्पाइसी हो और जूसी हो, मज़े के लगते हैं उन्हें बर्गर में, और एज ए नगेट भी वो खा लेते हैं इन पैटीज़ को। साथ ही मैं ओनियन यूज़ कर रही हूँ, ओनियन पाउडर है यहाँ पे मेरे पास, ये ओनियन पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर जाएगा 1.5 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से जाएगा। इन सब चीज़ों को मैं डालती हूँ एक चॉपर में और इसका एक अच्छा से तरीके से इसको चॉप कर लेते हैं जी। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, इस तरह से मैंने चिकन डाला, सब्ज मिर्चें डाली, सब स्पाइस ऐड कर लूँगी और चावल भी मैं इसी तरह से 2 दफ़ा करके मुझे ब्लेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दूध शामिल कर रही हूँ और सारी स्पाइस ऐड करती हूँ और इसको अच्छे से चॉप कर लेते हैं। चिकन भी ऐड कर चुके हैं, थोड़ा सा ऑयल सब कुछ डाल के जो चीज़ें आपको बताई हैं हम इसको अच्छे से चॉप कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंडर में डाल के चॉप कर लिया, और देखिए ये बहुत सॉफ्ट बनेगा। देखिए मेरे हाथों को चिपक रहा है, मैंने इसलिए आपको दिखाने के लिए बताया है कि आपको पता चले जितना ये सॉफ्ट बनेगा उतना ही जूसी बनेगा। थोड़ा सा आपको काम ये करना पड़ेगा कि ऑयल ले लेना अपने अपने हाथों को लगाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली है, उसके अंदर ये मैंने प्लास्टिक रैप बिछा लिया, और प्लास्टिक रैप बिछाने के बाद यहाँ पे मेरे पास मैदा है जिसमें सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाली है। इस मैदे को मैं इसके ऊपर बिछा लूँगी कि आपको डबल डबल काम नहीं करना पड़े, ईजी हो जाएगी आपकी जाप, और आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। देखिए मैं इस तरह से इस पर बिछा रही हूँ सारा जी। तो यहाँ पे देखिए ट्रे पर मैंने अच्छे से मैदा बिछा लिया, इस मैदे में सॉल्ट और ब्लैक पेपर थी, और यहाँ पे देखिए अपने हाथों को बहुत अच्छे से मैं ग्रीसी करूँगी, और ये बहुत सॉफ्ट है, जितना सॉफ्ट होगा जैसा मैंने आपको बताया उतनी ही अच्छी और जूसी पैटी बनेगी। थोड़े बड़े साइज़ की हम पैटी बनाएंगे क्योंकि मैं बर्गर के साइज़ के हिसाब से पैटी बनाती हूँ कि बच्चे एक बर्गर खाएँ और उनको फुल खाने का मज़ा आए। अगर आप देख रहे हैं तो मैंने अच्छा खासा सा एक बड़ा सा एक ये बना लिया, गोला सा बॉल बना लिया मैंने, और ये देखिए फुल मेरे हैंड ग्रीसी है, और आराम से मैं इसको नीचे को प्रेस करूँगी, और ये देखिए पतला भी इतना ना हो और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो कि अंदर तक ही हमने इसको कुक भी करना है। ये देखिए बहुत प्यारा सी शेप आई है, ये देखिए इस तरह से हम इसको बना बना कर, ये देखिए जो मैं हमने मैदा तैयार किया है उसमें रखेंगे, ये देखिए इस तरह से ये मैदे में रख देंगे कि आपको मैदा दोबारा से ऊपर से नहीं लगाना पड़े। इसी तरह से हम सारी ये पैटी तैयार कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे देखिए पैटी मैंने बनाकर इस तरह से ट्रे में रख ली है, हम इनको फ्रीज़ करेंगे, इनको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे कि हम इनको आराम से हैंडल कर सकें। और उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि आप इनके छोटे छोटे साइज़ के नगेट्स बनाकर भी फ्रिज में रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए। बहुत हेल्दी सी रेसिपी है, जब दिल चाहे घर में आउटसाइड से आप प्रोसेस चिकन लेके आते हैं उसका वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल के उन्होंने बनाया होता है, तो इस तरह से आप बनाकर रख सकते हैं।
और अपने बच्चों को दे सकते हैं। अगर छोटे छोटे नगेट्स बनाना आपके लिए मुश्किल है तो इसी तरह से बड़ी सी ट्रे में डालकर छुरी के साथ जैसे बर्फ़ी के पीस करते हैं उस तरह से करके थोड़ी देर फ्रीज़र में रख के उनको अलहदा से निकाल के भी आप कर सकते हैं। वो भी मैं आपको, मेरे पास बच के अभी मैंने 6 पैटी बनाई हैं। वैसे इस पूरे मेज़े के साथ 12 पैटी बन जाती हैं। तो बाकी के मैं कुछ नगेट्स बना लूँगी और 3-4 और पैटियाँ बनाकर फ्रीज़ कर लूँगी। और यहाँ पे आपको दिखाएं कि अब नेक्स्ट अप क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये एक जाली ले रही हूँ और ये देखिए इस तरह से जाली के साथ मैं इसके ऊपर देखिए मैदा डाल रही हूँ। अगर आपको नीचे से नज़र आ रहा हो ये देखिए इस तरह से डालेंगे तो सारा वो उसके ऊपर गुठलियाँ नहीं बनेंगी और अच्छा सा डल जाएगा और एक्स्ट्रा हम हाथ की मदद से हटा भी देंगे तो ये थोड़ा इजी भी हो जाता है। जैसे आप नगेट्स भी बनाएंगे तो बिल्कुल आप इस तरह से कीजिएगा कि इस तरह से जाली से डाल के और फिर बाद में उंगली की मदद से या किसी नाइफ की मदद से देखिए सब तरफ फैला देते हैं हम और हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में कि ये थोड़ा सा ठहर जाए लाइक 30 मिनट के लिए। अगर आप उसी दिन आप यूज़ करना चाहते हैं तो 30 मिनट के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं जी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पैटीज को फ्रीज़र में से निकाल लिया, 40 मिनट्स आलमोस्ट पड़े रहे हैं और ये देखिए ये जो मैदा है आप बाद में रीयूज़ भी कर सकते हैं और आप इस स्टेज पे इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं जब आप बनाना चाहें तब बना लें या हाफ डन करके। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक अंडे में सॉल्ट एंड पेपर डाल लिया था, काली मिर्च और नमक डाल लिया। अच्छे से हम अंडे में डिप करेंगे, अच्छे तरह से आप एग वॉश कर लीजिएगा कि मैं जी। तो देखिए ब्रेड क्रम अच्छे से लग गया सब तरफ। इसी तरह से हम सब पैटी को जितनी भी हमें बर्गर तैयार करने हैं उन पैटीज को इस तरह से हम ब्रेड क्रम लगा के इस प्लेट में रखते रहते हैं यहाँ पे ये देखिए। और बाकियों को भी मैं लगा लेती हूँ फिर आपको बताते हैं कि इनको हमने फ्राई कैसे करें। जी तो सब पैटी को बहुत अच्छे से अंडा और ब्रेड क्रम लग गया है। यहाँ पे आपको दिखाएं कि मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। इसको डीप फ्राई करेंगे हम, एक एक पैटी उठाएंगे और बहुत बर्निंग ऑयल नहीं होना चाहिए कि मीडियम फ्लेम पर ये देखिए इस तरह से हम डालेंगे और पैटी को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम डालते जाएंगे और कच्चा है चिकन तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। जी तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इनके चिकन नगेट्स भी बना कर रख सकते हैं। देखिए मैं इनकी कोई आपने मेरी नगेट्स की रेसिपी देखी होगी, पहले मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन इस तरह से भी आप नगेट्स बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने इसको इस ट्रे में डाल दिया था। नीचे यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि मैंने छुरी की मदद से कुछ एक शेप नहीं बनाई और नीचे मैदा भी डाला था और अब मैंने इस तरह से इनकी शेप्स बना ली है, छुरी से काट लिया रफली। अब क्योंकि बच्चे हर शेप में पसंद करते हैं नगेट तो इस तरह से मैं बड़े बड़े साइज के बर्फ़ी के टाइप में काट ली है मैंने। अब मैं इनके ऊपर थोड़ा सा मैदा अंडा और ब्रेड क्रम लगा कर इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी दोबारा से। एक दफ़ा पहले फ्रीज़ किया है क्योंकि मुझे इसको हैंडल करना ईजी हो जाता है। आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे, आप ज़रूर बना कर दीजिएगा जी। तो जब तक पैटी फ्राई हो रही हैं उतनी देर में आपको दिखाऊँ, आप बन ले लीजिए जो आपके पास अवेलेबल है और साथ चीज़ के स्लाइसेस जो लोग चीज़ के साथ खाते हैं। मेरे हमारे घर में सबका डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है क्योंकि अब ये घर में तैयार हो रहे हैं तो इसलिए सबके लिए उनकी चॉइस के मुताबिक बनेंगे। बच्चों के लिए चीज़ के साथ बनेंगे, मेरे हस्बैंड के लिए ओनियन लेटस टमेटोज एंड ग्रीन चिलीज़ के साथ बनेंगे। इवन दो थोड़े स्पाइसी हैं ऑलरेडी मैंने इनमें डालती हूँ लेकिन उनको मोर स्पाइसी चाहिए तो उसी तरह से हम अपना टेस्ट डेवलप कर लेते हैं। जब तक पैटी रेडी हो रही थी सोचा आपको ये चीज़ें भी दिखा दूँ जी। तो यहाँ पे आपको दिखाएं कि पैटी ऑलमोस्ट फ्राई हो गई, ये देखिए ऑलमोस्ट ये डन है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक तवे पे हम बन को सेक लेते हैं हल्का हल्का सा, बिल्कुल लाइट सा, बहुत ज़्यादा हमने इनको डार्क नहीं करना, लाइट लाइट सा इनको सेक लेते हैं सब तरफ से जी। तो देखिए हम पैटी को निकाल लेते हैं स्टेज पर, देखिए इस तरह से हम एक एक पैटी को उठाएंगे। देखिए बहुत ज़्यादा इनको लाल नहीं करना, इस तरह से एक जाली पे हम निकाल लेते हैं बाकी सब। बन को एक प्लेट में निकाल लेते हैं जी। तो सबकी चॉइस के मुताबिक बनेगा, देखिए दो जो से चीज़ के साथ मैं बना रही हूँ और उनके ऊपर इस तरह से गरम गरम पैटी रखेंगे और एक के ऊपर यहाँ पे लेटस रखूँगी, ये देखिए इस तरह से लेटस रख देंगे और उसके ऊपर पैटी रखेंगे, ओनियन
जितने चाहिए उतने रखेंगे हम। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डालेंगे, एक टमाटर रख देंगे, और यहाँ पे जो बच्चों के लिए बन रहा है उसके ऊपर भी हम लेटस ऊपर से रखेंगे। एक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लेटस नहीं डालती, बस पूरी पूरी सी लेटस डाल के, बच्चे बहुत ज़्यादा लेटस पसंद नहीं करते, तो इस तरह से। और इसके ऊपर से डालेंगे केचप, जो डालना चाहता है डालें, जो नहीं डालना चाहते वो ना डालिए। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से केचप डालेंगे, और यहाँ पे भी थोड़ी सी केचप डालेंगे, और इनको ऊपर से कवर कर देंगे इस तरह से, इस तरह से इनको कवर करते हैं। और इनकी फाइनल प्लेटर मैं आपको दिखाती हूँ। लीजिए तो चिकन पैटी बर्गर रेडी है। इनको फ्राइज़ के साथ, होम फ्राइज़ के साथ बनाएं। अगर आपको फ्राइज़ की रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इनको किस तरह से बनाया। और अगर मुझे आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।